हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज का जो ये प्रैंक है जो मैं शूट करने वाला हूँ, वो ये प्रैंक है कि बहुत टाइम से मैंने ये प्लान नहीं किया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ आउटिंग करने के लिए। तो आज मैंने ये सडनली अपने दिमाग में सोचा कि मैं ये प्लान बनाता हूँ कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, और सरप्राइजिंगली मैं बताऊँगा शीतल को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं ये भी हो सकता है कि मैं ना बताऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैंक, और प्रैंक शुरू होगा मेरी एक फ़ोन कॉल से, जो कि एक फेक फ़ोन कॉल है। ऐसे ही मैं बस फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जब लाउड बात करूँगा किसी से भी फ़ोन पे, तो वो मेरी आवाज़ सुन के ज़रूर अंदर आ जाएगी रूम में। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। हेलो, हाँ, अरे क्या बात कर रहा है यार तू? अरे अभी कैसे निकल सकते हैं भाई? अरे मैंने तेरे को बोला था कि यार कम से कम मुझे 2-3 दिन पहले बताइयो, मैं तभी निकल पाऊंगा यार। अरे नहीं निकल सकता भाई मैं अभी यार, तू अभी बोल रहा है कि 4 घंटे बाद फ्लाइट है। अरे क्या बात कर रहा है यार तू? अरे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार, तू समझने की कोशिश कर भाई। अरे हाँ यार, मैं सब समझ रहा हूँ कि काम जरूरी है, जाना काम पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुरंत यार अब मैं एकदम से कैसे निकल जाऊंगा यार? मुझे एक बात बता है? अब अरे मैं बात कर लूंगा यार, वो ऐसा नहीं है। हाँ मैं भी उसे बात करूंगा तेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब सडनली यार एकदम से प्लान बना दिया तूने चलने के लिए यार, अभी कैसे? मतलब मैं मतलब अभी कैसे मतलब 3 घंटे बाद फ्लाइट है यार, तू कह रहा है 3 घंटे में? टिकट विकेट भी तो होती है, कुछ अरेंजमेंट भी तो होती है, टिकट सब हो गई है, सब लोग रेडी है? लेकिन शूट तो यार अभी 1 हफ्ते बाद था ना यार, तू समझने की कोशिश कर मेरे भाई यार, 6 महीने की बात है, अरे थोड़ी कि 2 दिन के लिए जाना है। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, कोई टेंशन मत ले तू। हाँ मैं निकल रहा हूँ, हाँ बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, हाँ रेडी हूँ मैं यार, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस कपड़े पैक कर रहे हैं और क्या। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ मैं बात करता हूँ, करके समझाता हूँ उसको, हाँ देखता हूँ क्या बोलती है। हाँ काम में तो जाना तो पड़ेगा यार, ठीक है चलो ओके, मिलता हूँ है ना एयरपोर्ट पे, कहाँ T3 से ही है ना? हाँ 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 ठीक है बस मैं पैकिंग कर रहा हूँ, और फिर मैं कैब बुक कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक। कहाँ जा रहे हो? अरे यार मुझे ना अर्जेंटली निकलना है, एक शूट आ गया तो निकलना पड़ेगा मुझे। कौन से शो का? अरे वही जो शो की बात चल रही थी ना, उस शो का आ गया है कंफर्मेशन, तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़े बहुत कपड़े 6 महीने हाँ थोड़े बहुत कपड़े रख लेता हूँ। 1 मिनट, 6 महीने? अरे कॉन्ट्रैक्ट है यार उनके साथ में मेरा। तुमने मुझे कब बताया ये बात? मेरे वो सब मास वास कहाँ है? अरे भाई वो छोड़ो पहले, वो तो तुमने मुझे कब बताया कि तुम्हारा 6 महीने का शूट है? बताना तो था यार, बताना तो मैंने, बताया तो था मैंने तुम्हें। अरे भाई किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कौन सा शो है, कब आगे, मुझे तो मुझे कब बताया था तुमने? ये वाला तो मुझे कब बताया तुमने? अरे बताया तो था थोड़े दिन पहले कि एक आउटडोर का शूट आने वाला है, हफ्ते 10 दिन बाद प्लान है, लेकिन उनका अब सडनली प्लान बन गया कि मुझे निकलना है, तो अभी वो वही EP का फोन आया था मेरे, तो कह रहा है कि मैंने पैकिंग वैकिंग कर ले भाई, और अपना मैंने टिकट शिकट सब बुक कर दी, क्रू पूरा पहुंच चुका है, सडनली ये कैसा शूट है कि 6 महीने के लिए ले जा रहे हैं? तो यार अब लंबा शो चलेगा तो 6 महीने तो रहना पड़ेगा ना यार। तो ये लेकिन क्या है भाई, किसी को बताओ कि नहीं सडनली रात को, अभी मैं ये बात तो समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, ये बात तो समझना क्या है यार, काम करने तो जाना पड़ेगा ना यार, ये कैसी बातें कर रही है भाई? काम के लिए प्लीज, मेरे को भी पता है कि काम आज से देख रही हूँ, काम मेरे को मालूम है, लेकिन ये सडनली 6 महीने के लिए, और तुम अभी सडनली अभी तो, और तुमने कपड़े उपड़े भी पहन लिए, कहाँ जा रहे हो यार तुम? मुझे कहाँ जा रहा हूँ वो तुम छोड़ो ना यार, कहाँ जा रहा हूँ मैं? अरे कौन सी जगह जा रहे हो ये तो पता होना चाहिए। अब ये यार दो तीन डेस्टिनेशन पे जाना है अलग अलग, अब देखते हैं कैसे प्लान बनता है, पहले मैं एक जगह पहुंच तो जाऊं,
मैं जहाँ पहुंचूंगा तुम्हें बता दूंगा लोकेशन सेंड नहीं ये बहुत गलत बात है बगैर कोई जाने कोई जाता है क्या बगैर कोई जाने मतलब क्या है इस बात का अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो अचानक मुझे तो पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ रात के 11 बजे तो रात की 3 बजे की फ्लाइट है ना खुद भी नहीं पता कि तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे 3 बजे की फ्लाइट है उसने बोला तभी तो मैंने उसको बोला मैंने कहा 2-3 घंटे पहले तू बता रहा है ऐसा कोई तरीका थोड़ी है बोला तेरे सामने तो बोला मैंने उसको यार 2-3 घंटे वो भी 6 महीने के लिए और 2-3 घंटे पहले भाई इसके लिए डिस्कशन होती है बातें होती है घर में किस बात की डिस्कशन होनी 6 महीना 6 मंथ आधा साल होता है जितने 6 महीने इतना हो सकता है आगे एक्सटेंड हो जाए तो 1 साल भी हो जाए उसका 6 महीने का 1 साल भी हो सकता है तू ज्यादा बात होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा ना 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद तुम पागल हो क्या मैं कभी रही हूं क्या इतने दिन यार ये कौन सा शूट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इतने छोटे से बैग में तुम 6 महीने के लिए कपड़े ले जा रहे हो कपड़े जहाँ क्या करने हैं वहां पे तो मैंने शूटिंग के कपड़े पहनने हैं और वहां पे जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बीच साइड है वैसे भी बीच पे क्या कपड़े पहनने हैं मुझे यार और दूसरा वहां पे ले लूंगा मैं कपड़े कपड़े उसमें क्या दिक्कत है मजाक कर रहे हो मेरे साथ अरे मजाक क्यों करूंगा यार कैसी बातें कर रही हो सीरियसली आई एम सीरियस तुम हंसा रही हो मैं हंसी आ गई हंस रही हो यार मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं क्यों मजाक ये मजाक नहीं है ना तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी तुम काम धंधा करूंगी नहीं करूंगी नहीं ये तरीका गलत है भाई काम धाम करूंगी नहीं करूंगा ये प्लीज एक काम का दिखाओ मत दिखाओ मुझे काम मुझे पता है कोई भी काम करता है लेकिन अपनी फैमिली को बताता तो है यार ये 2 दिन की भी बात नहीं है 6 महीने की बात है अरे तो क्या हो गया यार मैं कौन सा क्या बातें करे जा रही है यार तुम मैं कुछ नहीं जानती मेरी बात करो ना फिर किससे बात करूं यार ये मैं तुम्हारी वाइफ हूँ यार मुझे जानना मेरा फर्ज बनता है हंस रहे हो बात किससे कराऊं बात कराओ क्या ईपी क्या है वो ईपी से थोड़ी बात कराऊंगा मैं तुम्हारी यार बिल्कुल मैं बात करूं क्या बोलेगा मेरी बीवी से बात कराऊं भाई वाइफ से ही बात करा रहे हो अरे लेकिन अच्छा मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूं अच्छा नहीं लगता भाई ऐसे बात मेरी बात कराओ नहीं मैं तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगी देख लेना तुम निकल नहीं सकते मेरे पैर पकड़ लोगी मम्मी पापा को बताया मम्मी को बता दूंगा रास्ते में फोन कर दूंगा तुम्हारी तो ये बहुत मतलब ऐश चल रही है अरे कोई ऐश मम्मी पापा को रास्ते से बता दोगे मुझे अभी पता चला मतलब पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे अरे भाई मैं मम्मी पापा को भी बता दूंगा और तुमने रखा क्या है मैं मेरे को मैं पहले तो जाने नहीं दूंगी और मैं चेक करूंगी तुम्हारे बैग में है क्या अरे कपड़े हैं मेरे यार और क्या रखूंगा मैं अबे और क्या रखूंगा कपड़े तो हैं टिश्यू पेपर्स हैं यार पहले के रखे हुए सब बैग में सैनिटाइजर है भैया जो फ्लाइट में मिलता है फ्री वाला बैग का बैग में ले गया नहीं दूंगी ऐसा ही पागल हो गया मैं नहीं जानती भाई काम धंधा करूंगा कि नहीं करूंगा काम धंधा करो लेकिन बता के ये गलत है तो बता तो दिया कि जा रहा हूं क्या पता कि तुम शूट पे जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो बैंकॉक बैंकॉक हां तुम बोल भी रहे थे बहुत दिनों से घूमने जाना है मुझे भैया कोविड का टाइम है बैंकॉक क्या करूंगा मैं जाके पागल तो नहीं हो तुम क्या करोगे क्या वहां घूमोगे फिरोगे तो फिर बैंकॉक 4 दिन घूम के आ जाओगे व्हाई शुड आई गो टू बैंकॉक देन फिर व्हाई वुड आई गो टू बैंकॉक और कोई जगह प्लान किया होगा फिर अरे आई एम गोइंग फॉर अ शूट यार कम ऑन ये शूट ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरी लाइफ में 6 मंथ जितने 6 मंथ में कभी रह सकती हूं अरे तो क्या हो गया नहीं मैं नहीं रहूंगी मैं नहीं जानती तुम भी आ जाना 6 महीने बाद वहीं 6 महीने यार अभी तो जीविका की क्लासेस चल रही है स्कूल स्कूल मीटिंग होती है जीविका की क्लास चल रही है वो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो तुम्हें exactly. यार घर से ऑनलाइन क्लास करने का मतलब अलग है होटल में थोड़ी ऑनलाइन क्लास करती रहोगी सही बात है फिर समझो ना तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर तो मुझे लग रहा है जैसे तुम घूमने ही जा रहे हो कि तुम्हारे वो दोस्त तो नहीं है सारे कौन से दोस्त हैं तुम्हारे फ्रेंड्स ले जा रहे मुझे लग रहा है अरे यार तुम पागलों वाली बात मत किया करो हमेशा की तुम्हारा झगड़ा तो तुम्हारा तो कलेश ही खत्म हो गया नहीं तो मेरी बात कराओ मैं भाई प्यार अपनी जगह होता है मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो केयर करती हो क्योंकि पैसा भी कमाना है ना प्यार क्या भाड़ में भाई प्यार क्या भाड़ में समझ गई भाई ऐसे लोग छोड़ देते हैं केयर नहीं करते अपने हस्बैंड्स की मेरे को नहीं पता तुम कहां जा रहे हो कैसे जा रहे हो किसके साथ जा रहे हो ये भी नहीं पता मुझे मेरी बात कराओ मैं नहीं जानती अरे किससे बात कराऊं यार अपने प्रोड्यूसर से थोड़ी बात करवाऊंगा तुम्हारी अरे अभी तो तुम नीचे से वॉक करके आए अरे अब सडनली कॉल आ गया क्योंकि प्लान तो पहले से बन रखा था भाई जाना है जाना 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 है बस वो चीजें बताओ हो रही थी अनप्रोफेशनल तुम्हारे लोग हैं और तुम फैमिली को कोई मतलब ये गलत बात है नहीं यार तुम्हारा तो हर चीज पे नाटक है हर चीज पे कलेश रहता है बस हर मैं नहीं जानती समझती नहीं हो तुम अगर गए तो मैं भी घर से निकल जाऊंगी कहां निकल जाऊंगी तुम पता नहीं मैं कहां जाऊंगी मैं आ जाओ निकलो भाई निकलो मुझे काम धंधा करना है निकलो यहां से निकलो जाओ चलो निकलो भाई तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो मेरे साथ ऐसे मैं नहीं जानती मैं घर से क्यों निकलूं मेरा घर है
देखो भाई मुझे तो जाना नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। मुझे जाना है भाई, मैं बता रही हूँ मुझे निकल लेना, मैं नहीं जानती, मुझे जाना है बस। फोन ही रख लूंगी, जाओ भाई मेरा फोन दो प्लीज। मैं दूंगी नहीं बगैर फोन के, तो तुम जाने, मैं नहीं दूंगी यार प्लीज। जितिन बताओ तुम, मैं यार तुम हंस रहे हो, कुछ तो झोल है तुम्हारे में। क्या झोल है? तुम कहीं घूमने गोवा जा रहे हो यार, ये घूमने का टाइम है। चार कपड़े रखे हैं और कह रहे 6 महीने के लिए पहने। अरे कपड़े वही खरीद लेंगे शूटिंग में, मुझे कपड़े आज तक मैंने पहने हैं। शूटिंग वाले कपड़े पहनूंगा कि मैं अपने कपड़े पहनूंगा वहां पे? ये तो सिर्फ मैंने सिर्फ टेम्परेरी रख लिए कपड़े, कपड़ों की जरूरत नहीं थी मुझे, सिर्फ ब्रश रखना है और मैंने सिर्फ 5-6 कच्चे रखे हैं इसमें अपने। तुमने मेरा ना सच बता रही हो, आज तक मेरे को बहुत मासूमियत देखी है तुमने मेरी, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बता रही हूँ। अरे किस बात का? मैं जाने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ बस, मैं नहीं जानती। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं मैं नहीं जानती, मैं जाने नहीं दूंगी। 6 महीने बहुत होते हैं जितिन, और वो भी मुझे पता नहीं है यार। ये बैग दो मुझे, मैं नहीं जानती। पागल वाला हो क्या? मैं जाने नहीं दूंगी। अरे जाने दो, मैं नहीं जानती। तू ले मैं क्या बैग तोड़ोगी क्या भाई? मेरी बात करो पहले। किससे बात करो मैं? नहीं मेरी बात करो, जिससे भी बोला है तुम्हें 6 महीने के लिए जाने के लिए। भाई ये 6 महीने नहीं है, सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का है। हाँ फिर 6 महीने का, उनकी फिलहाल उन्होंने बोला है 6 महीने के लिए जाना है। आगे अगर देखेंगे एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंड करेंगे वहां पे, नहीं तो वापस आ जाएंगे अपना मुंबई। उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले आप मेरी बात कराओ ना भाई, एग्रीमेंट पेपर तो होगा। कहाँ है एग्रीमेंट पेपर? एग्रीमेंट सब मेरे को मेल आए हुए हैं भाई। हाँ तो मेल दिखाओ। अरे वो सब रखे हुए हैं मेल्स में। नहीं ये क्या बात है, तुम घर से बाहर निकल रहे हो और मुझे किसी चीज की डिटेल्स ही नहीं दे रहे। अरे क्या डिटेल्स, तू बता तो दिया जहाँ जा रहा हूँ, कंपनी का नाम बता दिया, जो शूटिंग पे जा रहा हूँ वो बता दिया, गोवा जा रहा हूँ बता दिया, और क्या बताऊँ? गोवा बोला तो अभी, गोवा जा रहा हूँ शूटिंग पे। तुम्हारे शूट भी गोवा, बैंकॉक, ऐसी जगह जो जो तुम्हारा मन था घूमने का ना, वही वही जगह शूट हो रहा है तुम्हारा। अब मेरे अब मैं क्या करूं, मुझे अगर गोवा में शूट करना अच्छा लगेगा। मैं भी अगर एक्ट्रेस होती और मैं ऐसी बैग उठाती और चली जाती 6 महीने, तुम्हारा काम होता तो मैं जाना ही पड़ता। ये बोलने की बात है, अगर मैं जाती तो मुझे जाने भी नहीं देते और मैं भी नहीं जाने दूंगी। अब मैं नहीं जानती, मतलब मैं काम धंधा ना करूं, काम धंधा छोड़ दूं क्या? मेरे को सिर घूम रहा है, मैं नहीं जानती, मैं जाने नहीं दूंगी। तो मैं काम धंधा छोड़ दूं, घर बैठा रहूं, घर कैसे चलेगा? मैं काम छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, बट मैं नहीं जानती, मेरा सिर घूम रहा है। मैं ये क्या बात है यार, अचानक क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था यार घर में, तो ठीक तो अभी भी है यार। किसका फोन आ गया ऐसे? अरे भाई काम वाले का फोन आया, तो जाना तो पड़ेगा ना यार, क्या बातें कर रहे हो, ये तो पागल वाली यार। चक्कर आ रहा है, मैं सच मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हो रहा है तुम्हें? मेरे को चक्कर सा आ रहा है, मैं ऐसे नहीं होता यार, 6 मंथ मुझे कुछ भी बताओ, मुझे एटलीस्ट बात कराओ या मुझे एग्रीमेंट पेपर दिखाओ। अरे कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करूंगा मैं। वाह जिस चीज का तुमने साइन भी नहीं किया वहां पे, तुम ये पूरी तैयारी करके निकल रहे हो। अरे भाई भाई मेरी बात कराओ एटलीस्ट। अच्छा कॉल ही दिखाओ, किसका फोन था दिखाओ भाई। ये देख लो अभी जो कॉल आया था, लास्ट कॉल एपी का आया ना, देख लिया लास्ट कॉल आया था। ये पता नहीं है कौन सा ईपी आ गया जिंदगी में। अरे भाई शेड्यूलर है, जिसने शेड्यूल बनाया वो मुझे फोन कर रहा था काफी देर से, मुझे फोन कर रहा था, शाम को भी उसका फोन आया था, मैंने फोन अटेंड नहीं किया था। हो सकता है यही बताने के लिए किया हो कि आज शायद निकलना पड़े। क्या हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो रही यार? मुझे सच में अजीब सा लग रहा है यार। तुम सोचो यार, मैं जीविका के साथ अकेले, अचानक तुम बोल दोगे जाना है, ये कोई तरीका है? मैं जाकर के एकदम वहां सेटल हो जाऊं थोड़ा सा, उसके बाद सेटल। तुम सेटल होने जा रहे हो वहां पे? अरे 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो यार घर बार तो देखना पड़ेगा ना वहां जाके, घर तो जो भी होगा रेंट वेंट पे या होटल होगा क्या सिस्टम होगा पता नहीं ना भाई, जैसे भी हिसाब हुआ अगर फ्लैट मिला तो। आजकल ऐसा बहुत होता है, मैं सच बता रही हूँ। अरे 2 BHK 3 BHK फ्लैट मिला तो मैं तुम्हें बुला लूंगा ना भाई, थोड़े टाइम के बाद। मुझे एहसान मत करो प्लीज, मुझे भी बुला लो, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? अरे मैं आ ही जाऊंगी, एड्रेस पहले तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर ऐसे किया ना तुम, जहां होगे मैं वहां से पहुंच जाऊंगी, मैं बच्चे को लेकर वो भी। अरे मैं कोई जंग पे जा रहा हूँ क्या?
बवाल करने जा रहा हूं कहीं, भाग रहा हूं किसी के साथ, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, या बच्चे को लेकर के आ जाऊंगी, मैं कोई नौकरानी हूं क्या, मैं फलाना मैं ढिमकाना। अरे मैं जाने की बात नहीं बोल रही थी, काम तो मैं खुद मनाती हूँ, हमारे पास बहुत सारे काम हो, बट यार अचानक बोलोगे रात के, अभी तो 11:30 बज गए सोचो। तभी तो कह रहा हूं मीटिंग लेट, आई हैव टू गो यार, मेरे लिए पानी वानी इंतजाम करो, मैं तो वाटर वाटर, मैं कोई इंतजाम नहीं कर रही हूं, तो वैसे जाने नहीं दूंगी मैं, जाना है ना, जाना है ना, तो सुबह मेरी बात कराओ, एक दिन लेट चले जाओगे तो नहीं, मेरे को बात करनी है, शूटिंग है भाई और सारा शेड्यूल बन गया आज है। फ्लाइट से लोग परसों क्या होता है, अरे वहां जाकर ड्रेसेस व्रेसेस सब लेनी है, सब शॉपिंग वोपिंग करनी है अभी जाके यार, वहाँ पे ड्रेसर डिजाइनर मेरे साथ जाएगी, मेरे को शॉपिंग करनी जाएगी, कौन डिजाइनर जो है हमारी, वो शॉपिंग जाए कराने ले आएगी मुझे सारी चीजें, डिजाइनर तुम्हें ले जाती है शॉपिंग कराने, ऑब्वियसली वो बोल नहीं जाएगा, जब मेरे को मेरे कपड़े मेरे नाम के लेने, तो डिजाइनर मेरे साथ जाएगी, वो तो आपके सेट पे आते हैं, कोई नहीं साथ साथ घूमते हो तुम लोग मॉल में, कभी कभी किसी डिजाइनर के पास जाना भी पड़ता है यार, अच्छा हमारी कॉस्ट्यूम स्टाइलिश होगी, मुझे किसी डिजाइनर के पास लेके जाएगी, अपने चॉइस से कपड़े लूंगा मैं जो मेरे हिसाब से फिट होंगे, मुझे ले जाना जाना पड़ेगा, तुझे पता नहीं है सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, ये बता मुझे तो नॉर्मल हो जाए यार, पानी वानी पी रहे तेरी तबियत ठीक नहीं लग रही मुझे, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा भाई, मैं नहीं हो सकती नॉर्मल, मैं सब कुछ ही जानती, हटो तुम अगर आज चले गए ना, मैं बता रही हूं मैं कुछ नहीं जानती यार, मैं 10 दिन नहीं रह सकती, 6 महीने कैसे रह सकती हूं मैं, तुम्हें पता है मेरे बारे में, तुम्हें हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था, देखो भाई मुझे तो जाना है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है देख लो, तुम जाके तो दिखाओ, आज कसम है तुम यहाँ से बैग ही लाके दिखाओ, अगर मैं तुम्हें जाने दे दी तो क्या करूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं बता रही हूँ, बैग फट जाए, मैं नहीं जाने दूंगी नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, आप ऐसे बगैर बताए घर से बाहर नहीं जा सकते, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जाने नहीं दूंगी, ये मैं छोड़ दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोचो मेरे बारे में, जीविका के बारे में, मैं नहीं पकड़ रही, मैं आपके जितनी ताकतवर नहीं हूं, मैं बैग नहीं पकड़ पाऊंगी यार, थिंक अबाउट दिस यार, मैं कैसे मैनेज करूंगी यहाँ पे सब कुछ, अरे तो मैनेज कर ना, सब कुछ ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन सब आता है, तुम भी ऑनलाइन आ जाओगे, मैं भी फ्लाइट पकड़ के ऑनलाइन, ऐसे नहीं होता, मैं जाने से नहीं मैं बोल रही हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है यार, अचानक तुम 11 बजे रात में बोल रहे हो कि 6 महीने के लिए जा रहे हो, अरे तो क्या हो, नहीं आई एम वरिड, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे, आई एम वरिड यार, मेरे को इतना प्यार क्यों करती हो यार तुम मुझसे यार, अब मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, अगर मेरे को 2-3 साल के लिए नहीं जाना पड़ गया, अरे भाई जाना पड़ेगा तो जाओगे, ये थोड़े ना बोल रहे आदमी, लेकिन मुझे पता तो होगा कि कहाँ जा रहे हो, कौन सी मूवी कौन सा टीवी शो तुमने साइन किया है, ताकि मैं भी कभी भी आ सकूं, मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में, कि अभी कहाँ जा रहे हो, अचानक किसका फोन आया, अब तुमने ईपी लिख दिया है, अब वो ईपी है कि सच में डीपी है, मुझे क्या मालूम है, मेरे को नहीं मालूम, मैं जाने नहीं दूंगी, मेरे को डर लग रहा है यार, ज्यादा डरूंगा घबराऊंगा, तबियत खराब हो जाएगी तुम्हारी, मेरी हो रही है एक्चुअल में, मेरी हो रही है तबियत खराब, नॉर्मल हो जाओ नॉर्मल, सब ठीक है मेरे को निकलना है ना, नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं मेरे को निकलना है, मैं जाने नहीं दूंगी, जाना है ना, नहीं जाना है ना, नहीं जाओ ना, मैं नहीं जाओ ना, नहीं जाने दो ना, मत जाओ जतिन, ऐसे मत जाओ यार, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है नहीं जाता बस, ओके अब तो रोने मत लग जाना, ओके नहीं जाना बस, ये तरीका गलत है यार, अच्छा रो मत, नहीं जाना मैं, अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, प्रैंक कर रहा था, सच में प्रैंक कर रहा था, अरे प्रैंक कर रहा था भाई, कहीं नहीं जा रहा मैं, सच में प्रैंक कर रहा था मैं, क्या हो कैमरा ढूंढ रही हो कब लगाया, आओ भैया, दिस इज सीरियस मैटर यार, हाय हाय, फिर रुला दिया मैंने इसको नहीं ये रुलाने की बात नहीं यार, मतलब अचानक कोई भी, अगर तुम्हारी जगह मैं हूं और अचानक बोल रही हूँ कि मेरे को जाना है, तो तुम भी डर जाओगे, आई वाज जस्ट किडिंग यार, इट वाज जस्ट अ प्रैंक, वो तो पता है अभी की प्रैंक है, कपड़े देखो फालतू में कपड़े भी निकाल दिए, कपड़े भी वापस रखने पड़ेंगे
ऐसे अपनी वाइफ से बहुत सारा प्यार करो ताकि वो आपको कहीं ना जाने दे। उसका ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और इतना सारा प्यार करोगे ना तो उतना ही सारा प्यार आपको भी अपनी वाइफ से मिलेगा, है ना। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। सॉरी, आप लोग हमेशा यही कमेंट करते हो कि रुला दिया मेरे हस्बैंड ने। बात वो नहीं है कि अब मुझे पता है कि चलो ये प्रैंक है, बट मतलब जब प्रैंक होता है, मैं बार बार यही कहूंगी, जब प्रैंक होता है कितनी तो सारी चीजों से ये मालूम पड़ता है कि वाइफ कितना प्यार करती है, देखो, है ना। नहीं जाने दे सकते हो ऐसे। बात वो नहीं है कि कोई गलत काम करेगा इंसान, बट थोड़ा सा आप डर जाते हो कि यार अचानक कहाँ जा रहा है आप। मतलब ये तो हस्बैंड है, वैसे भी घर का कोई भी इंसान है ऐसे जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं डर गई थी। बट अब वो प्रैंक है तो मैं बहुत खुश हूँ, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये मत समझना कि मैं काम पे नहीं जाने देना चाहती हूँ, ऐसा बात, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्यों, ये मूवी की शूट के लिए भी गए तो कितना टाइम, बट ये अचानक से कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि अचानक से बोल के। एनीवेज, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, या फिर हमारे जो नजदीक वाले हैं उनको कोई दिक्कत हो। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कमेंट्स करो यार, ढेर सारे कमेंट्स करो। सब्सक्राइब इन्होंने नहीं किया, इंस्टा पे जाओ भाई प्लीज। हाँ भैया, इंस्टा पे फॉलो करो यार, लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। और जब भी फॉलो करो तो ये नहीं कि सिर्फ इनकी आईडी या सिर्फ मेरी, दोनों की आईडी, बिकॉज दोनों पे अच्छे अच्छे रील्स आते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। अगर ये सच होता तो शायद मैं आज पूरी रात सोना तो दूर की बात है। अब तो सो रहे हो आराम से। बाय।